नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों लगातार हत्याओं का दौर तेज हो गया है, जिससे भागलपुर समेत पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं इसको देखते हुए सोमवार को भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने विशेष बैठक की, जिसमें एसएसपी ने अपने अधीनस्थ सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ सभी थाने के थानाध्यक्ष को कई दिशा निर्देश दिया। क्राइम मीटिंग को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर के सभी थानों में जितने भी केस अभी तक लंबित पड़े हैं, उसे जल्द से जल्द संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही की जाए, जबकि आपराधिक मामलों में फरार चल रहे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही कर उन पर नकेल कसने की बात कही, जिससे आम लोगों को राहत मिले और समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। इसके अलावा बैठक में एसएसपी आनंद कुमार ने गश्ती दल को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा कि हर क्षेत्र में सुचारू रूप से गश्ती की जाए, जिससे आपराधिक घटना पर लगाम लगाया जा सके। भागलपुर सांसद अजय मंडल सोमवार को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सांसद ने अस्पताल के सभी विभागों में जाकर चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन से जरूरी जानकारी ली। इस दौरान सांसद ने कई विभागों में त्रुटियां देखकर विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई और अस्पताल के सभी विभागों में अविलंब स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं सांसद अजय मंडल ने कहा कि जल्द ही अगर मरीजों के हित में जेएलएमसीएच में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी विभाग में कई तकनीकी प्रशिक्षक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इसके अलावा कई विभागों में चिकित्सकों की भी कमी देखकर सांसद ने कहा कि जो भी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे, उन पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। हम घर में खाना खा रहे थे 9 बजे, हम तो फोन तो सभी का उठाते हैं, कुछ लोग यहाँ से टेलीफोन किए, समस्या डेली समस्या मिलता था और यहाँ बार बार हम टेलीफोन करके हॉस्पिटल को उस समस्या से समाधान व्यक्तियों का करने के लिए कहते रहे। आज जब देखें जटिल समस्या हो तो हम अपने से हॉस्पिटल ही चला रहे, देखते हैं क्या क्या समस्या। जितना दिखा उसने जितना होना चाहिए उसमें हर जगह कमी ही कमी नजर आ रही है। अब इससे बेसी बात क्या बता सकते हैं, किसी भी काम में समस्या, सब काम में समस्या भरा हुआ। क्या सर निदान होने की उम्मीद है? हम तो मुख्यमंत्री महोदय को लिखेंगे और हेल्थ मिनिस्टर को। जांच में क्या समस्या मिलेगी? भागलपुर के समाहरणालय परिसर में अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में सभी प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। वहीं अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अल्पसंख्यक अधिकार मंच के जिला संयोजक फैज अहमद और अन्य सदस्यों ने समाहरणालय परिसर में कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। फैज अहमद ने कहा कि उर्दू भाषी को उदासीन नजरों से देखा जा रहा है और सरकारी कार्यालयों में उर्दू जानकारों की बहाली भी नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के समस्याओं के निदान के लिए एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से पूरे बिहार में जिला कार्यालय में हर जगह हर जिला में आज धरना प्रदर्शन रखा गया है। सचर कमेटी की तरफ से केंद्र द्वारा जो अल्पसंख्यकों को कुचला दबाया जा रहा है उसके तहत आज हम लोगों ने धरना रखे हैं और केंद्र सरकार को हम आग्रह करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को जो कठिनाइयां हो रही है हिंदुस्तान के सरजमीन पे, वो कठिनाइयों को वो बंद करें। जैसे कि इसमें बात है धार्मिक स्वतंत्रता पे ठुकराना, ये बंद करें और सरकारी दफ्तरों में जो है उर्दू बहाली हो और सरकारी दफ्तर में उर्दू ऑपरेटर को जो है बहाल किया जाए और आर्मी में जो है उर्दू के ये अल्पसंख्यकों के माध्यम के तरफ से उस संख्या उसमें जो परसेंटेज कम होते जा रही है आज के डेट में वो उसमें बढ़ाया जाए। और आने वाले समय में देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तब से जो ये मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यकों को बहुत ही कठिनाई का परेशानी करना पड़ रहा है। भागलपुर नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 25 के पार्षद गोविंद बनर्जी ने नगर निगम की लचर व्यवस्था को लेकर सोमवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इसको लेकर पार्षद गोविंद बनर्जी ने नगर निगम के रवैया पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 25 में एक शौचालय की स्थिति जर्जर थी, जिसे उनके द्वारा निजी खर्च पर दुरुस्त कराया गया, जिसकी स्वीकृति उन्हें तत्कालीन नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीना के द्वारा उन्हें दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कई
कई वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर ही उन लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है, जबकि यह मामला साल 2019 का ही है और नगर निगम प्रशासन की टाल मटोल नीति के कारण आज तक उन्हें शौचालय निर्माण में लगी राशि नहीं मिल पाई है। मौके पर संवेदक राजकिशोर राम के अलावा कई लोगों ने आवाज़ बुलंद करते हुए नगर निगम प्रशासन और वर्तमान नगर आयुक्त से अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की गुहार लगाई। नगर निगम का एक सार्वजनिक शौचालय है जो वार्ड नंबर 25 में है, जो जर्जर अवस्था में था, उसका मैंने बहुत जरूरत पड़ने पर नगर आयुक्त के मौखिक आदेशानुसार हम लोग काम करवाए थे और काम करवाने के बाद उसका अभी तक बकाया भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नगर आयुक्त के द्वारा लगातार बार बार आश्वासन दिया गया कि भुगतान करवा देंगे, लेकिन नहीं करवाया गया, जिसके बाद उनको हमने सूचना दिया लिखित रूप से कि अगर आपने 11 मार्च तक इसका भुगतान नहीं किया तो हम लोग 13 तारीख को एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी चीज को लेके ये मामला वर्ष 2019 से चला आ रहा है, जिस समय नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीना सर थे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मिरहट्टी पंचायत के हृदय आनंद तिवारी के पुत्र और बीएसएफ जवान अंजलि आनंद तिवारी की पटना के महावीर कैंसर संस्थान में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर मृतक बीएसएफ जवान के पिता हृदय आनंद तिवारी ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। हृदय आनंद तिवारी ने कहा कि यदि महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर उनके बेटे का सही से इलाज करते तो उनके पुत्र और देश के वीर सपूत को बचाया जा सकता था। बताया जा रहा कि मृतक जवान अंजलि आनंद तिवारी साल 2003 में बीएसएफ में देश सेवा के लिए भर्ती हुए थे, जो अपनी पत्नी रुक्मणी तिवारी और दो पुत्र के अलावा वृद्ध माता पिता एक भाई एवं तीन बहनों से भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, जिससे वे सभी गहरे सदमे में हैं। वहीं खेती किसानी करने वाले शहीद के पिता ने बताया कि अंजलि आनंद तिवारी की शादी साल 2010 में हुई थी, जबकि उनका बड़ा पुत्र 10 वर्ष का, छोटा पुत्र महज 6 वर्ष का है। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र को ड्यूटी के दौरान अचानक गुप्तांग में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना महावीर कैंसर संस्थान अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन समय पर और सही इलाज नहीं मिल पाने से बीएसएफ जवान की मौत हो गई। 10 तारीख को सीबी से जांच हुआ, जिसमें प्लेटलेट 32 आ गया। डॉक्टर देखे, उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। शनिवार को जब 5:05 कम था, जो कि ब्लड बैंक 5 बजे बंद हो जाता है, तो हमको बोला गया कि आप 5 यूनिट ब्लड प्लेटलेट ले आइए। ब्लड बैंक में गए दौड़े तो वहाँ बोला कि हमारे पास है नहीं, कहीं कुछ को बंद करके जाना था। वहाँ माने किसी को किसी से मतलब नहीं है, वो अपना ड्यूटी आया, ड्यूटी गया, चला गया। फिर हम किसी तरह बाहर से प्लेटलेट खरीद के 5 यूनिट रविवार को लाए, जो चढ़ाया भी गया। रविवार माने 12 तारीख, लापरवाही बढ़ती गई है, पूरी लापरवाही। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरेन नॉटिंग में देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता में कार्यरत हूँ। हम लोग 18 मार्च 2023 को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भागलपुर में आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और कैंसर और कैंसर रिलेटेड समस्याओं के बारे में सुनेंगे और सुझाव देंगे। मेरा स्पेशलिटी ब्लड और ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, लाइक थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, लो प्लेटलेट का काउंट, लो हीमोग्लोबिन, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम सुझाव देंगे। कुछ कैंसर जो कि कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता है, उस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। थैलेसीमिया का बीमारी के लिए ट्रांसप्लांट करते हैं, इसके संबंधित भी आप लोग को जानकारी देंगे। तो हमारा आग्रह है और सुझाव है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में आइए, ताकि हम लोग आप लोग के साथ बैठकर और इंटरेक्ट करके आप लोग के समस्या का समाधान कर सकें। नमस्ते दोस्तों, कैंसर सुन के सब डर जाते हैं ना, और कैंसर बढ़ते जा रहा है, सबको मालूम है। और भागलपुर जैसी जगह में जब कैंसर सुनते हो तो आप तुरंत शहर की तरफ दौड़ने का सोचते हो। आज आपके लिए खुशखबरी की बात है, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता आपके लिए कैंसर की पूरी टीम, यस दोस्तों पूरी टीम, मेडिकल सर्जिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को लेके 18 तारीख को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में
आपकी दुविधा को दूर करने के लिए आ रही है। कोई भी शंका हो, सेकंड ओपिनियन हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, एक छत के नीचे ऑल स्पेशलिस्ट आपके लिए भागलपुर में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मिलते हैं आपसे 18 तारीख को भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के नाथनगर रेफर अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए सोमवार को दिव्यांग जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान नाथनगर प्रखंड के विभिन्न जगहों से पहुंचे काफी संख्या में पुरुष महिला समेत कई तरह के दिव्यांग ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। इसके बाद उन सबों से जरूरी जानकारी लेकर प्रमाण पत्र मुहैया कराने की बात डॉक्टरों और शिविर में मौजूद लोगों द्वारा दी गई। इसको लेकर शिविर में मौजूद सदर अस्पताल के डॉक्टर गोपाल कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से दिव्यांगता प्रमाण पत्र के शिविर में आवेदन लिया गया, जिससे जांच के बाद विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और इसकी मदद से जरूरतमंद दिव्यांगजनों को उपकरण और जरूरी सुविधा मुहैया कराई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में जिनका प्रमाण पत्र नहीं बन सका, उनके अलावा भी कई लोगों का प्रमाण पत्र शिविर में जारी किया गया। विकलांगता शिविर लगाया गया है, विकलांगता प्रमाण पत्र वितरण के लिए जो शिविर लगाया गया है, इसमें जिनका भी जो भी छूट गए हैं उनके लिए नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ये शिविर लगाया गया है। कितना आया है यहाँ पे नंबर कितना? 9 दे चुके हैं अभी। 9 हड्डी से विकलांग 9 थे और मेंटल वाले भी थे, मानसिक लोग रूप से सुविधा बस प्रमाण पत्र जारी होगा और कुछ नहीं। भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में आयोजित बुनियादा जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 10वें दिन किशनपुर और खरैया सीनियर टीम के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें किशनपुर टीम ने बेहतर खेल दिखाते हुए अपनी जीत दर्ज की। इससे पूर्व मुख्य अतिथि अरुण स्पोर्ट्स क्लब के संस्थापक अरुण कुमार चौधरी, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी राजेंद्र कुमार सिंह उर्फ रिटायर फौजी रवि मंडल और कन्हैया झा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, जबकि अरुण कुमार चौधरी ने फुटबॉल में किक मारकर मैच का शुभारंभ किया। मैच में नायक की भूमिका धर्मेंद्र कुमार, मुन्ना कुमार और दयानंद कुमार ने निभाई। वहीं मैच में किशनपुर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी साजन कुमार ने एक गोल दागकर अपनी टीम के जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच के दौरान क्लब के सदस्य अमरेंद्र कुमार झा, शशि चौधरी, संदीप कुमार समेत काफी संख्या में खिलाड़ी, ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे। भागलपुर के जगदीशपुर प्राचीन दुर्गा मंदिर प्रांगण में चल रहे 5 दिवसीय श्री कृष्ण लीला महोत्सव के दौरान रविवार को मुरादाबाद से आए राहुल जी राहुल ग्रुप के कलाकारों द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव पर नाटक का मंचन किया गया। वहीं कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने वैष्णवी कला मंच के सभी कलाकारों का तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करते हुए कृष्ण लीला महोत्सव का जमकर आनंद लिया। इस दौरान टोली में मौजूद 25 कलाकारों ने मनमोहक झांकी एवं भक्तिमय गीत संगीत की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इधर आयोजन समिति की ओर से वहां मौजूद अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र देकर किया गया। मौके पर MLC डॉक्टर NK यादव, भाजपा नेता बंटी यादव, समाजसेवी विजय यादव, संतोष कुमार, निरंजन यादव समेत जगदीशपुर श्री कृष्ण लीला समिति के सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।